मेयर मुर्तजा वहाब का कराची वालों के लिए तोहफा, शहर कायद में 30 ग्रीन बसें चलाने का फैसला कर लिया गया। ग्रीन बसें कायदाबाद, तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज वजाहत अली आबदी से। आज देखें, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की जानिब से कराची की आवाम को एक खुशखबरी दी गई है। कराची में 2009 में खरीदी गई ग्रीन बसें जो ख़राब वेयर हाउस में खड़ी थी, उनको 25 करोड़ की लागत से ख़रीदा गया था। डिप्टी पार्लिमानी लीडर केएमसी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर क्या फैसला किया है, कहाँ से कहाँ की और इनको कब तक तैयार कर लिया जाएगा। बिस्मिल्लाह रहमान, जैसा कि आपने फरमाया कि ये 2009 में तकरीबन 25 करोड़ की लागत से स्वीडन से ये बसें खरीदी गई थी और ये तकरीबन 2.5-3 साल चली थी शहर में। उसके बाद ये अपनी हाउस में खड़ी रही और उसकी हालत ख़राब होती गई, बुरी हालत थी। हमारे मेयर साहब ने एक बेहतरीन इकदाम उठाया शहर की सहूलत के लिए, शहर की आवाम की सहूलत के लिए, इनको दोबारा जो है चलने के काबिल किया। उसका नमूना एक बस आपके सामने खड़ी है, इंशाल्लाह इन करीब बाकी बसें भी आ जाएगी। और ये कायदाबाद हमारा सेंट्रल से जो रूट चल रहा है टावर तक, इसके दरमियान इंशाल्लाह ये मूव करेगी और आवाम को सहूलत मिलेगी। ग्रीन बस की तरह तैयार की ये बस किस तरीके से बनाई गई है, ये बड़ी शानदार बस बनाई गई है। आप देख सकते हैं सीटों पर प्लास्टिक्स लगी हुई हैं, अच्छी प्लास्टिक की सीटें लगाई गई हैं, फाइबर की इधर खड़े होने के लिए स्टैंड्स भी लगाए गए हैं। बहुत जल्द यही जो बसें हैं कराची की वजाहत, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।